Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing good and I'm doing great as well. So first of all, meri taraf se to all the super women of the world, aap sabko happy women's day. And so jaise ki aap sabko video ke thumbnail se aur title se bhi pata chal gaya hoga ki hum kis bare mein baat kar rahe hain. To ji haan, sabse pehle hum is bare mein baat karenge ki what actually is the women's day. तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको असल में ये बात पता ही नहीं है कि वेमेंस डे क्या होता है. उनको सो कॉल्ड इंस्टाग्रामर्स से और कुछ हमारे न्यूज़ एंकर्स हैं और कुछ हमारे मीडिया पर्सनस हैं, उन सब से उनको पता लगता है जी एक औरत मार्च हो रही है जिसमें फहाशी फैलाई जा रही है और जिसमें ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो इट्स अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैट. लेकिन सबसे पहले हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि व्हाट एक्चुअली वेमेन डे इज़. तो वेमेन डे इज़ अ डे दैट इज़ सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड फॉर द अचीवमेंट्स, द कल्चरल अचीवमेंट्स, द फाइनेंशियल अचीवमेंट्स एंड अचीवमेंट्स लाइक अ वेमेन इज being a good doctor, a good daughter or a good lawyer or just like a woman has topped ACCA in Pakistan. So this is the day to celebrate the achievements of the women. Women Day is not all about Aurat March. Yahan pe bahut sari auratein hain jo ke bahut mehnat karti hain, bahut zyada hard work karti hain, wo apne liye roti bhi kamati hain, wo apna ghar bhi chalati hain, wo bahut kuch karti hain just to get valued और उनकी इज्जत की जा सके. यहाँ पे बहुत सारी हमारी बेचारी औरतें हैं जिनको ये सब करने के बाद भी उनकी इज्जत नहीं की जाती. तो आप उन औरतों को औरत मार्च वाली औरतों के साथ प्लीज़ मिक्स मत करें. नॉट ऑल द वमेन्स वॉन्ट आज़ादी और वल्गैरिटी यू कैन से. येस वी वॉन्ट इंडिपेंडेंस, येस वी वॉन्ट कि हमें सेलिब्रेट किया जाए, येस वी वॉन्ट लव एज वेल, वी वॉन्ट सपोर्ट एज वेल, वी वॉन्ट एम्पावरमेंट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बेगैरती या बेहयाई या इन सब चीज़ों को हम सपोर्ट करना चाहते हैं. इट्स टोटली रॉन्ग. देर आर ओनली 0.0111% और 0.0001% वेमेन हु आर सपोर्टिंग औरत मार्च. सो इट्स आप उन सब दोनों कैटेगरीज को एक साथ पुट नहीं कर सकते, आप उन दोनों कैटेगरीज को एक साथ गालियां नहीं दे सकते. और ज़रूरी नहीं है कि हर वुमेन जो औरत मार्च में जाती है वो वल्गैरिटी फैलाने के लिए जाती होगी. ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट ट्रू. मे बी उसको सारी ज़िंदगी इतने धक्के मिले हैं, उसके शोहर ने उसको इतना मारा है या उसके ससुराल वालों ने उसको इतना जलील किया है या उसके भाइयों ने उसको इतना टॉर्चर किया है, उसके हकूक मारे हैं, उसको उसका विरासत में हक नहीं दिया, कि उस बेचारी औरत को ये बात पता नहीं थी कि इन औरतों का एजेंडा क्या है. हमारे यहाँ पे औरत को इतना दबाया जाता है कि उसको ये भी नहीं पता होता कि मैं अपने हकूक किससे जाके मांगूँ, तो वो चली जाती है औरत मार्च में. एंड आई हैव सीन मैनी वेमेन लाइक दिस. आई डोंट गो वेरी फार, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैमिली. माई डैड इज सपोर्टिंग ऑल ऑफ अस एंड ही इज़ अ प्राउड फादर, सॉरी. तो उन्होंने एक बाप को जो करना चाहिए उन्होंने वो किया है, उन्होंने अपनी बेटियों को सपोर्ट किया है. ही हैज़ मेड अ स्ट्रॉन्ग, वी आर वर्किंग ऑल ऑफ अस, वी आर एजुकेटेड, वी आर इंडिपेंडेंट, आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय माय ओन. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई वल्गैरिटी करना चाहती हूँ या मैं औरत मार्च में जाती हूँ या समथिंग लाइक दैट. आई थिंक कि हमारे माशरे में औरतों को इतना सप्रेस किया जाता है, उनको इतना तंग किया जाता है कि वो तंग आकर जाती हैं औरत मार्च में. मैं ऐसी औरतों को जानती हूँ जो तंग आके चली जाती हैं. सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वी शुड सेलिब्रेट आवर वेमेन. एंड जो कि वो अपनी अचीवमेंट करती हैं हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वेलिटी, ये बहुत सारी बहस जो है वो हो चुकी है. देर आर मैनी थिंग्स जो कि वक्फे वक्फे से हमारे मुल्क में चलती रहती हैं. मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती. इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं, लेकिन मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ कि प्लीज़ सेलिब्रेट योर वुमेन. अगर आपकी बेटी यूनिवर्सिटी जाना चाहती है तो उसको जाने दें. अगर आपकी बेटी ड्राइव करना चाहती है तो उसको करने दें. और उसको ड्राइव करते हुए जो मर्द घूरते हैं उनकी आंखें निकाल के उनके हाथ में दे दें. दिस इज़ द ओनली
वे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो घर पे बैठ के नहीं कमा सकती, या बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जिनको बिल पे करने खुद जाना पड़ता है, उनका कोई भाई नहीं होता, या मे बी कि उनके वालिद बीमार होते हैं, या कोई भी औरत अगर इस तरह के काम बाहर निकल कर करती है तो हर कोई शौकिया नहीं करती, किसी की मजबूरी भी होती है। तो हमारी सोसाइटी आज भी ऐसी है, इतनी औरत मार्च के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद, विमेन इज नॉट सिक्योर इन आवर सोसाइटी। आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपको वहाँ पे अकेले नहीं आप बैठ सकते, आप कहीं ड्राइव करके जा रहे हो, जितना मर्जी एजुकेटेड बंदा होगा अपनी गाड़ी खाई में फेंक देगा, लेकिन आपको देखेगा ज़रूर, भाई ये कौन औरत है जो गाड़ी चला रही है, औरत तो चला ही नहीं सकती। सो वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी। और उसके बाद आप बात करते हैं कि औरत मार्च क्यों करती है, और हर औरत मार्च करना भी नहीं चाहती, ठीक है। सो जो मार्च करती हैं उनको करने दें, या आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं अगर, या उनको तनकीद कर रहे हैं, तो उसमें आप उन बाकी की 99.9% औरतों के भी हक मार रहे हैं, जिनके के रियल केसेस हैं, जो कि रियल में चाहती हैं कि उनको सपोर्ट किया जाए, उनको थोड़े से लव्स हौसला अफजाई के दिए जाएँ, उनकी सुनी जाए, उनकी इज्जत की जाए, उनकी कदर की जाए, जो कि हमारी सोसाइटी में नहीं की जाती। अगर आपका बेटा 1,00,000 रुपया कमाता है ना, तो लोग कहते हैं कि बेटा है, अगर बेटी कमाती है तो उसको कहते हैं औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। इस तरह के सेंटेंसेस मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में सुने हैं, ठीक है। और अगर आपका बेटा कमाता है तो उसकी कमाई होती है, अगर बहू कमाती है तो उसकी कमाई भी आपकी कमाई होती है। यहाँ पे तो बेटियों को उनके हकूक नहीं दिए जाते, और कोई भी नहीं देता। इतनी इतनी लंबी दाढ़ियों वाले, इतने इतने अच्छे मुसलमान, वो भी अपनी जायदाद अपनी ज़िंदगी में बेटे के नाम लगवा जाते हैं कि बेटी को तो मैं कुछ नहीं दूंगा। भाई हर बंदा जिसको कुछ नहीं मिलता वो इस्लाम को दरमियान में ले आता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम ने औरत को मर्द से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया है। अगर मर्द को कोई एक चपेड़ मारता ना, तो मर्द आगे से 10 गालियां देता है। ये तो बेचारी औरत है जो शोहर की मार भी खा लेती है, सास की भी खा लेती है, और फिर भी उनके लिए दुआएं मांगती है, आंसू पोंछती जाती है, और रोटियां पकाती जाती है। ये काम मर्द भी नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर बात आती है कि मर्द और औरत बराबर होते हैं, मैं ये भी बात नहीं करती, मैं ये बात करती हूँ कि मर्द औरत से ज़्यादा सुपीरियर है, औरत मर्द से ज़्यादा सुपीरियर है। मैं खुद को मर्द से ज़्यादा सुपीरियर समझती हूँ। अगर इस बात के लिए मुझे किसी ने जो कुछ मर्जी कहना है मुझे कहो, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि वेमेन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन मैन, वरना अल्लाह ताला माँ औरत मर्द को बनाता ना, औरत को क्यों बनाता? अल्लाह ताला ने कुछ सोच के ये बनाया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला इंसान के हकूक औरत के अल्लाह ताला ने दिए हैं, लेकिन इस मुआशरे ने नहीं दिए। इस वजह से औरतें बोलती हैं, औरतें लड़ती हैं। पहले नहीं लड़ती थी तो अच्छी थी, अब लड़ती हैं तो औरतें बुरी हैं। और औरतें अपना हक क्यों मांगती हैं? आप इस सोसाइटी में आजमा के देखें, जो औरत बोलेगी वो औरत बुरी होगी। अगर औरत नहीं बोल रही, चुप करके मार खा रही है, तो उसको सती सावित्री का शील्ड लकब जो कुछ मिलना होता है वो मिल जाता है। औरत बुरी बननी तब शुरू होती है द टाइम शी अंडरस्टैंड्स और शी डिसाइड्स कि मैंने अब ये नहीं लेना, आई कांट टेक दिस शिट, आई एम गोना अगेंस्ट दिस वर्ल्ड, मैं स्टीरियोटाइप तोड़ रही हूँ, या मैं इन लोगों को ठुडा कराने वाली हूँ। तो एट दैट टाइम वो औरत बुरी हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो औरतें अपने लिए ब्रेड बटर खुद कमाती हैं, बाहर निकलती हैं, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द मैन हु आर वॉचिंग मी, प्लीज़ रिस्पेक्ट दैम। हर औरत अपनी मर्जी या खुशी से घर से बाहर नहीं निकलती। ट्राई टू प्रूव कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आप एक टिपिकल आदमी नहीं है। जस्ट लाइक माई फादर, ही इज़ सपोर्टिंग हिज 5 daughters एंड ही इज़ द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक आवर सोसाइटी needs such fathers, such brothers and such husbands in life. So this is all I want to say, and from my side again, happy women's to all the women who are celebrating, jo ke apne ghar ke liye, apne liye, apni betiyon ke liye lad rahi hain, struggle kar rahi hain, even if they are cooking at home, if they are housewives. हर औरत अजीम होती है, क्योंकि वो अपने घर के लिए कुछ ना कुछ कर रही होती है। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।